प्रधान मेदन करवाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान बहन प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए प्रियंका जी। हमने कोरोना का जब से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल दो जगहों पे जहां पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहां पे सैनिटाइजर टनल बिठाए। उसके बाद हमने जो सैनिटाइजर हर कोई महिला और हर कोई घर में नहीं जा सकता तो इसीलिए हमने साबुन हर घर में साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद जो हमारे गांव के अंदर जो महिलाओं ने स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया था सिलाई का, उन महिलाओं को हमने मास्क बनाने का काम दिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 5, उनको हमने इस प्रकार के मास्क बनाने का काम दिया जो उन्होंने 5000 मास्क इस टाइप के बनाए हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे गांव में कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एरिया आता है जो सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, चाकन के पास है, तो हमने जो रात को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को लोग आते हैं इसके लिए हमने रात एक टाइम निर्धारित किया। उसके बीच में हमने स्ट्रीट लाइट बंद रखी तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए वो एक असरदार उपाय साबित हुआ। इसके साथ ही हमने जो दुकान है उसके सामने एक सर्कल की मार्किंग की जिसकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने में कामयाब हुए। इसके साथ ही जो किराना राशन की दुकान है और सब्जी के हाथ है उसके लिए हमने ऑल्टरनेट डेज पे बिक्री का चालू किया कि 3 दिन राशन की दुकान खुले रहेंगे और 3 दिन सब्जी के दुकान खुले रहेंगे जिससे लोगों की आवाजाही सीमित करने में हमें बहुत ज्यादा मदद हुई। इसके बाद ही जो हाउसिंग सोसाइटीज है और जो किसान है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके एपीएमसी के द्वारा हमने वॉलंटियर लगा के वो सब्जी वो अनाज लोगों के हाउसिंग सोसाइटीज में पहुंचाने का काम किया, उसकी बिक्री की। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। इसके साथ ही हमने महिला सुरक्षा के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में 7000 सैनिटरी नैपकिन का आशा वर्कर के थ्रू सैनिटरी नैपकिन पूरे गांव में बांटे। हर एक महिला को, हर एक युवती को, किशोर वयस्क युवती को हमने सैनिटरी नैपकिन दिए। इसके साथ ही हमने होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी स्टार्ट की कि अगर कुछ हमारे यहाँ पे संदिग्ध पाए जाते हैं तो होम क्वारंटाइन के लिए हमें जो भी सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए हमने होम क्वारंटाइन की सुविधा भी चालू की। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ और दूसरी बार हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। अभी जो लॉकडाउन बढ़ा था उसके साथ ही हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया तो इन सब उपायों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने में हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रियंका जी, अब तो गाँव वाले थक गए होंगे, लोगों को गुस्सा आता होगा ये मोदी जी कैसे हैं, इतने दिनों से बंद करके रखा हुआ है। लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है इसलिए गांव वाले थक गए, लेकिन उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं। आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है प्रियंका जी? 2011 के हिसाब से मेरी गाँव की लोक संख्या है 12,576, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहाँ पे पर प्रांत और राज्यों से लगभग 50,000 लोग रहने को है, यहाँ पे रहते हैं। तो आपका तो एक प्रकार से बड़ा शहर हो गया है। वो शहर, हाँ शहर टाइप ही हो गया है सर। पुणे से कितना दूर है आपका? सर मैं पुणे से सर एक 30 किलोमीटर की दूरी पे है, चाकन में। अच्छा, अच्छा। चाकन के पास ही है, 1-2 किलोमीटर में। अच्छा। इंडस्ट्रियल बेल्ट में देखिए, एक तो आपके यहाँ इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि एफपीओ के काम को, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम जिसको भारत सरकार काफी मदद कर रही है, ये जितना बल मिलेगा आपके गांव के किसानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से ई नाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम,
मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं जो चीजें बनाती हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वो जेम पोर्टल पर करे तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप। इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, इस तरह आप पूरे देश पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है, सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर, एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। वाह, चलिए आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आइए हम पूरा